भारत चीन के बीच तवांग सेक्टर में हुई झड़प की कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले भी तकरीबन 8 महीने तक लद्दाख में ऐसी ही हरकत चीन सैनिकों की तरफ से की जाती रही, लेकिन अब जो जो सर्दियां बढ़ने लगी हैं तो चीन ने कदम पीछे खींच लिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 जवानों को चीन ने वापस बुला लिया है। ये तब है जब भारत की सेना मौजूदा वक्त में पहाड़ों में लड़ने में सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है, जिसका लोहा ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं भी मानती हैं। इस बीच पहाड़ों में लड़ने का जो साजो सामान और जो टेक्निक भारत के पास आई है उसके लिए अभी कई देश इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको बात बता रहे हैं माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में, जिसे चीन के खिलाफ लड़ने के लिए लगातार पिछले कई सालों से तैयार किया जाता रहा है। 2 स्ट्राइक कोर इस बार तैनात की जा रही हैं। ये वो जवान हैं जो भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर से, इसे 17वीं कोर भी बुलाया जाता है, लेकिन प्यार से फौजी इसे ब्रह्मास्त्र कोर भी बुलाते हैं। ये साल 2013 से लगातार सक्रिय है। इसकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव के बीच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी IBG को तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया था। फिलहाल इस प्रस्ताव पर क्या हुआ इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सीमा से लगे पहाड़ों में सेना के 2 स्ट्राइकर कोर की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल सेना के पास अभी 1 कोर और 17 कोर के साथ 2 माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं और आने वाले समय में इनका पुनर्गठन भी किया जाना है। सूत्रों ने बताया है कि उत्तरी और पूर्वी मोर्चे पर ध्यान देते हुए यानी लद्दाख और अरुणाचल में पुनर्गठन की बात की जा रही है। इस योजना को इसी माह लागू किया जा सकता है, क्योंकि तवांग में जिस तरह से बड़ी झड़प हुई है उसके बाद सेना काफ़ी अलर्ट हो गई है। सेना के पास फिलहाल 4 स्ट्राइकर हैं और ये किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इनमें से कोर है 1 मथुरा स्थित कोर, अम्बाला स्थित दूसरी कोर, भोपाल स्थित 21 कोर और आंशिक तौर पर गठित 17वीं कोर भी तैयार है। स्ट्राइक कोर का असली मकसद बॉर्डर पर दुश्मन को आक्रामक तौर पर जवाब देना है। 17 कोर का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में है और ये इकलौती माउंटेन स्ट्राइकर कोर है। भारत का पूर्वी सेक्टर सिक्किम और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर चीन का बॉर्डर शेयर करते हैं, जहाँ पर इस कोर की अहमियत बेहद बढ़ जाती है। माउंट स्ट्राइकर कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में है और ये पूर्वी कमांड के अंदर आता है। माउंटेन स्ट्राइकर कोर में फिलहाल 2 डिवीजन है। 23 इन्फेंट्री डिवीजन, ये रांची में स्थित है, और दूसरी 59वीं इन्फेंट्री डिवीजन जो पन्नागढ़ में है। इसमें 6 ब्रिगेड्स हैं और 3 इन्फेंट्री, 1-1 इंजीनियर, एयर डिफेंस और आर्टिलरी ब्रिगेड भी है। उत्तरी सेक्टर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो इलाका आता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर पूर्वी लद्दाख के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है जो चीन से जुड़ती है वो बॉर्डर आता है। इसके अलावा इसके कमांडर भी हैं। माउंटेन स्ट्राइक कोर की पहली डिवीजन को पूर्वी सेक्टर में तैनात किया गया है और इसकी दूसरी डिवीजन पठानकोट में साल 2017-18 में तैयार की गई थी, लेकिन ये कभी पूरी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि फंड की कमी के चलते इसका गठन पूरा नहीं हो पाया था। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर को और ताकतवर बनाने के लिए सेना ने साल 2009-2010 में 2 नई इन्फेंट्री डिवीजन को तैयार किया था। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मस्कैट स्नो लेपर्ड है, जो ताकत, बहादुरी और चालाक शिकारी होता है। माउंटेन कोर का मुख्य काम अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में चीनियों से सीमा की सुरक्षा करना है, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत की 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी लंबी सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित जवानों की ही जरूरत होती है, वो माउंटेन कोर से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इस कोर में पहले तकरीबन 1260 ऑफिसर्स थे और 35,000 फौजी अभी भी हैं। इन डिविजन्स को असम के लेखापानी और मिसामारी में गठित किया गया था, लेकिन हमारे जवानों से ज़्यादा चीनी थे। इसके बाद भी माउंटेन कोर के जवानों की संख्या बढ़ाई जाने लगी है। प्लान बनाया गया है कि इसमें 90,000 फौजियों को भर्ती किया जाए। इस कोर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी ताकत, हथियार, संख्या, सुविधा लगातार बढ़ाई जा रही है। अब देखना है कि आने वाले समय में जो माउंटेन कोर है
जो भारत की ताकत मानी जाती है, अगर चीन के साथ कुछ ऐसा वैसी स्थिति बनती है तो उस पर किस तरह का जोर और हमारी तैयारियों का जो असली परीक्षण है वो उसी समय होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।